आप जो है पहले चैम्बर को पार कर गए और आप सेकंड चैम्बर में आ गए, लेकिन सेकंड चैम्बर का नाम क्या? भाई नींद तो नहीं आ रही। हाँ नींद नहीं आ रही, नींद तो नहीं आ रही अब क्या। लेकिन और जा रहा था, लेकिन ना भाई यहाँ वहाँ भाग रहा है, लेकिन यहाँ वहाँ मन ना भागता रहता है। दूसरा क्या करेंगे, मन भागता है? बिल्कुल भागता है, क्यों नहीं भागता? अरे वो भागता है, उड़ता है वो, यहाँ क्या नहीं करता। तो विक्षेप से कैसे डील कर सकते हैं हम लोग? फाइंड योर होली स्पेस एंड होली टाइम, ठीक है ना। जैसे घर में ना आपको डिस्ट्रैक्शन की बहुत सारी जगह होती है, टीवी के सामने, ड्रेसिंग टेबल के बगल में, ठीक है, किचन में, ये सब डिस्ट्रैक्शन वाली जगह है। हमें एक ऐसी जगह चुननी चाहिए जो कि डिस्ट्रैक्शन फ्री हो, जहाँ ना तो बच्चे हो, ना और कोई रिश्तेदार हो, और एक ऐसा समय हो जहाँ पे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। तो एक ऐसा समय आपको चुनना चाहिए अपने लिए, ठीक है। इट कैन बी अर्ली मॉर्निंग, बेस्ट है वो तो, यहाँ पूरी दुनिया सोई हुई है, बेस्ट टाइम। तो इसीलिए हमको करना चाहिए, वी शुड फाइंड अ होली स्पेस एंड अ होली टाइम। और हर व्यक्ति का एक अपना होली स्पेस है और एक होली टाइम, कि मैं इस स्थान पर बैठ करके जपा करूंगा। और जब आप एक ही स्थान पे बैठ के जपा करते हो ना, उससे भी वी गेट एक इंटरनल प्रिपरेशन कि ना मेरे को यहाँ पे क्या करना है, जपा। आप जगह बदलते रहते हो ना, अगर उससे भी क्या है, माइंड स्टेबल नहीं हो पाएगा आपका। माइंड को स्टेबल करने के लिए क्या है, मुझे एक ही स्थान पे रहना चाहिए। एक ही स्थान पे आप बार बार जपा करते हो अगर अगेन एंड अगेन, तो इस तरह से इससे भी हमारी कंडीशनिंग होती है, ओके यहाँ पर मैं जपा करता हूँ, ओके। और एक होली टाइम, ये पर्टिकुलर समय, वो समय में भी क्या होता है, वो भी कंडीशनिंग आती है, दैट यू विल बी कंडीशन्ड टू चैंट इन दिस पर्टिकुलर टाइम। ये तो जी चैंटिंग का समय है, इस समय और कुछ करोगे तो आपको अनकंफर्टेबल लगेगा कि ना इस समय मैं और कुछ नहीं करूंगा, इस समय ये समय और ये जगह तो चैंटिंग के लिए। इसको बोलते हैं स्थान सिद्धि। तो ये होती है कब, जब हम लोग वी फाइंड अ होली प्लेस है ना, होली स्पेस एंड होली टाइम। अर्ली मॉर्निंग चैंटिंग, तो अर्ली मॉर्निंग चैंटिंग इज द बेस्ट। और उसके लिए जैसे हमने डिस्कस भी किया, रात को टाइम से सोना, रात को हल्का लेना, और सुबह उठने के लिए बहुत ही अच्छा, मैंने आपको एप्लीकेशन बताई है, जिस बहुत ही कारगर है। इसमें कई सारी ऑप्शन है, इसमें शेकिंग की ऑप्शन भी है, कि जब तक आप इसको 100 बार शेक नहीं करोगे तब तक आराम से बचता रहेगा, उसमें काउंटिंग है उसकी कब तक चला है। और मैथमेटिकल प्रॉब्लम भी है, कॉम्प्लेक्सिटी भी है, आप हल्की प्रॉब्लम चाहते हो, कॉम्प्लिकेटेड चाहते हो, वो भी उसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है ना। ये उसमें फोटो की भी ऑप्शन है, कि जब तक आप वो फोटो नहीं खींचोगे वहां पर जाकर के लेके जाओ, फोटो खींचो और वो तो मैच नहीं होगा, तब तक बचता रहेगा, वो वोट ही नहीं रहा, करते करते क्या आपका माइंड इतना एक्टिव हो जाएगा दैट यू कांट स्लीप एनीवे। तो इस तरह से जो है अलार्म्स यू कैन यूज दिस। इन फैक्ट देयर वाज वन अलार्म, उसमें क्या है कि उसमें ना 10 पिन लगे हुए हैं, जैसे ही वो बजता है ना उसके सारे पिन निकल जाते हैं, और जब तक आप पिन को ढूंढ करके वापस नहीं लगाते तब तक वो बजता है। सो सुबह उठने के लिए आप और सी और सारी चीजें ईजाद की जाती है कलयुग के अंदर। सो अर्ली मॉर्निंग चैंटिंग इज द बेस्ट चैंटिंग, क्यों? पहली बात, सुबह सुबह हमारी स्लेट साफ है। सेकेंडली, अभी हम कुरुक्षेत्र की भूमि उतरने वाले हैं दिन भर में, अब चाहे जॉब के लिए, चाहे पढ़ाई के लिए, चाहे चकला बेलन के साथ, व्हाटएवर, अब हम जो है कुरुक्षेत्र की भूमि पे जाएंगे। तो कवच कब पहनना चाहिए, लड़ाई में जाने से पहले या लड़ाई में जख्मी होने के बाद? कोई बात नहीं कि पहले जख्मी धो जाओ। अगर कुरुक्षेत्र की भूमि को जाता है टी शर्ट में, यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन, और वहां जींस पहन के घूम रहा है, क्या हाल हुआ फिर आएगा ना कोई इतना से? उस तरह से हम भी करते हैं भाई, 7 बजे उठे, नहाए धोए, सैंडविच खाया, खा चल भगवान चलता हूँ मैं ऑफिस, क्या हुआ उसको बुरा? वो कसाई खाने में गया है बिना कवच पहन के, उसकी पिटाई होनी ही होनी है। फिर शाम को जब भिदा भरा पूरा इतना घायल होके आता है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम राम राम, निपट लूंगा उससे जब मौका मिला ना मेरे को अगली बार। अर्ली मॉर्निंग चैंटिंग, जब मैं जॉब किया करता था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिस दिन मैंने सुबह जपा किया और मैं ऑफिस गया, मेरा इवन मटेरियल ड्यूटीज भी अच्छे से हो गई क्विकली। और जिस दिन मैं आलस कर गया, सुबह 4 वाला की वो भी रगड़ा भाई ठंडे की, फिर चला गया ऑफिस, उस दिन तो पिटाई होनी होनी है, इनएफिशिएंसी भी रहेगी, गलतियां भी होंगी, फीडबैक सेशन भी होंगे, स्टिंकर ईमेल भी होंगे, बेटा आज तूने गलत काम, आज आलस किया। तो सुबह जो है उठना जो है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोज हु आर स्पेशली हाउस होल्डर्स, मस्ट है उसके लिए, पूरी जिंदगी पूरा अपना जो रूटीन है ना वो आगे पीछे आप पूरा कर दो, जस्ट टू स्लीप ऑन टाइम। क्योंकि सुबह उठना जो है ना वो चैलेंज नहीं है, टाइम से सोना चैलेंज है, टाइम से सोना चैलेंज है। इतनी हलचल होती है हमारे घर में, तो पूरा बाजार लगा होता है 10 बजे क्या करेगी। लेकिन ना हम ही को ये मैसेज देना पड़ता है घर वालों को कि ना ये तो जी मेरा सोने का समय, तुझको रखे राम तुझको। सो
should be preferred. मॉर्निंग में कम से कम डिस्ट्रैक्शन होती है, शाम को आते आते डिस्ट्रैक्शन के लिए पूरी पूरी सुविधा होती है, राइट, बाहर से भी अंदर से भी, वेरी हार्ड टू फोकस. एंड देन व्हाट वी कैन डू, फोकस ऑन ईच होली नेम व्हाइल चैंटिंग. होता क्या है, यहाँ तो हम पास्ट एक्सपीरियंसेस से बहुत ज्यादा भ्रमित होते हैं या फिर फ्यूचर की बड़ी बड़ा हमको टेंशन है, एंजाइटी है, और ये कहाँ घुसती है, हमारे प्रेजेंट चैंटिंग के अंदर घुसती है. इसे बोलते हैं पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री. डोंट फोकस ऑन एनी वन ऑफ देम. मुझे क्या कहना चाहिए, प्रेजेंट में रहना चाहिए. हम गिफ्ट को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट. हियर इज अ गिफ्ट फॉर यू, प्रेजेंट, राइट, क्योंकि प्रेजेंट ही तो गिफ्ट है. तो व्हेन आई एम चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, ये जो हरे मैंने बोला ना, ये मेरे को हरे में रहना अभी. ये जो हरे कृष्ण महामंत्र मैं अभी बोल रहा हूँ, बस ये हरे कृष्ण महामंत्र ही मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और इस हरे कृष्ण महामंत्र में मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा. दिस चैंटिंग हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे. नाम मेरा पुराने माला कितनी हुई है मुझे नहीं पता, और कितनी और बाकी है मुझे नहीं, इस बारे में होश नहीं रखना है मेरे को. आई एम टू स्टे इन प्रेजेंट, और मैं ये हरे कृष्ण महामंत्र ही करूंगा, और हर एक हरे कृष्ण महामंत्र में अपनी पूरी जान लगा दूं, एक एक हरे कृष्ण महामंत्र में, एक एक हरे कृष्ण महामंत्र. तो 1728 हम करीब हरे कृष्ण महामंत्र लेते हैं, अगर 16 माला करते हैं तो ये जो अगर हम करें ना, आप एक एक हरे कृष्ण महामंत्र में, एक एक हरे कृष्ण महामंत्र में जान डाली, मीन्स टू लिव इन द प्रेजेंट फोर्सफुली, खींच के, तान के, कि मेरा जैसे आइंदर बोला करते हैं, वी शुड इन्वेस्ट ऑल आवर साइकोफिजिकल एनर्जी इन चैंटिंग द होली नेम. तो मेरी जितनी भी साइकोलॉजिकल एनर्जी है और जितनी मेरी फिजिकल एनर्जी है, दिस वन चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण, और ये चलना चाहिए. तो अगर आप भगवान के नाम को जान दोगे, अपनी जान दोगे, तो भगवान आपको क्या देंगे, अपने आप जान. भगवान को अगर आप भगवान के नाम में अगर आप अपनी जान दोगे, तो भगवान आपको क्या देंगे, जान देंगे. और ऐसा भक्त बड़ा जानदार भक्त होता है, जिसने अपनी जान दी किसमें, इन चैंटिंग. जितनी कम जान दोगे ना इसके अंदर, उतने आप भी बेजान रहोगे. तो मैं जो आज आपको बताने वाला, देखो मैं आपको कोई ऐसा सीक्रेट नहीं बताने वाला कि ना इसके बाद तो आप ऐसे कर लो, ऐसे कर दो, फिर आपका चैटिंग बहुत बढ़िया चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है. देखो प्रयास तो हमको करना पड़ेगा, ये सब तरीके हैं, लेकिन तरीकों में हमें इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी अपनी साइको फिजिकल एनर्जी. सो फोकस ऑन ईच होली नेम मीन्स टू बहुत ही कॉन्शियसली उसको प्रेजेंट बनाना है, क्योंकि मन नाम का जो पंछी है उसके दो पंख हैं, एक है पास्ट, एक है फ्यूचर. तो मैं दोनों पंख काट देना उसके, बेटा तू ना तो मैं पास्ट का सोचूंगा, नो ग्रज फॉर द पास्ट एंड नो इनसिक्योरिटी ऑफ द फ्यूचर, मुझको तो प्रेजेंट में रह करके चैंटिंग करना, ये वर्तमान. सो वी शुड फोकस ऑन ईच होली नेम, ऑल एनर्जी दैट्स ऑन वन होली नेम एवरी टाइम. स्मॉलर रूम, रूम्स टू चैंट विद डीडीज इन दैट रूम. जैसे कहीं डिवोटी साहब के घर में मैंने देखा, जो स्टोर रूम है उन्होंने कहा उसको स्टोर नहीं बनाया, उसको फिर मेडिटेशन रूम बनाया. सो हस्बैंड वाइफ दे मैं सिट टुगेदर एंड चैंट हरे कृष्ण. तो स्मॉल रूम में जैसे भक्तिनो ठाकुर जी का भी एक स्पेशल चैंटिंग रूम था, तो इट वाज वेरी स्मॉल साइज का दरवाजा था, एंड देन यू लाउडली चैंट इनसाइड देयर. तो जितना बड़ा रूम होता है, जितना बड़ा मैदान होगा आपके आगे, उतना डिस्ट्रैक्शन के चांसेस ज्यादा है. तो जितना छोटा रूम हो योर मेडिटेशन रूम, उसमें डिस्ट्रैक्शन कम होगी. जितना खुला मैदान, उतनी ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस, कौन आया, कौन गया, क्या हुआ, ये डिस्ट्रैक्शन. सो दिस शुड बी मेडिटेशन रूम, सो दैट आल्सो हेल्प. प्रेफरेबली विद डीडीज, डीडीज हो उस रूम में तो बहुत ही अच्छा है, और भगवान का नाम हो, भगवान की तस्वीर हो, कुछ ना कुछ ऐसा होना जिससे कि उसकी स्पिरिचुअल वाइब्रेशन रहे उस रूम की. महामंत्र कार्ड, दिस वी हैव डिस्कस्ड, राइट, महामंत्र कार्ड जो है ये चैंटिंग कर सकते हैं इसको लेकर के. और कुछ बुढ़ी का करते हैं, अपने फेस को भी कवर कर लेते हैं टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन. दिस आल्सो वन ऑफ द वे टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, टू कवर द फेस. लेकिन ये कवर ऑफ द फेस जो चैंटिंग है ना, ये तभी करना जब आपकी डिवोटीज के साथ हो. अगर आप अकेले में हो और आपने फेस कवर कर दिया, हरे कृष्ण 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 हरे, अब आप बैठे तो हो और कुछ जाने वाला भी नहीं है. तो इसीलिए अगर भक्त अगर साथ में हो तो ये कवर फेस वाला चैंटिंग कर लो आप, लेकिन अलग समझ करना, क्योंकि उठाने वाला है नहीं भैया, थोड़ा अंधकार चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए, और क्या चाहिए हमें. सो महामंत्र कार्ड इज हियर एंड कवरिंग द फेस. डोंट चैंट इन कार व्हाइल ड्राइविंग, वाचिंग टीवी, सर्फिंग इंटरनेट, व्हाट्सएप एक्सेट्रा, तो आपने देख ही लिया हमें क्या नहीं करना चाहिए, और हमको पता है नहीं करना चाहिए. ये हम सब जानते हैं कि हमें क्या, किस तरह का जवाब हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम करते हैं, राइट.
So cover your face and chant. This is what you can do. You see, you are covered. Avoid morning walk japa. देखो मॉर्निंग वॉक जपाना ये उन लोगों के लिए है जिनका जो हार्ट के मरीज हैं या बुजुर्ग हो चुके हैं एंड दे डू मॉर्निंग वॉक जपा. इट इज गुड फॉर देयर हेल्थ और साथ में उनका जपा भी होता है और इन्हें काफी समय से जपा कर रहे हैं तो आज वो मॉर्निंग वॉक जपा भी करें तो उनको दिक्कत नहीं होगी. लेकिन हम एक कॉमन आदमी जिसकी अभी भगवान की दया से हेल्थ ठीक ठाक है, दे शुड अवॉइड मॉर्निंग वॉक जपा. मॉर्निंग वॉक करते हुए बहुत डिस्ट्रैक्शन, लोग कसरतें कर रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, सो मच डिस्ट्रैक्शन. So, ये हम नहीं कर सकते. सो इनके कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं. ओल्ड पीपल दे कैन चैंट और दोज आर हैविंग हार्ट डिजीज, तो उनके हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा रहता है कि मॉर्निंग में फ्रेश एयर में दे डू सम वॉकिंग एज वेल एंड देन दे डू जपा. पर ये सबके लिए नहीं, मॉर्निंग वॉक जपा लाइक रूपा जी क्या करते थे, महाराज करते हैं, दे कैन डू. पर एक आम आदमी के लिए ना इट्स वेरी डिस्ट्रैक्टिंग एक्टिविटी. दे कैन डू बिकॉज उनका हरिनाम बड़ी प्रीति है. योर महाराज जो है ही वॉज इन मॉर्निंग वॉक, ही वॉज डूइंग जपा, महाराज रुक गए ईदा पर और फिर चैंटिंग करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो जो महाराज का सेक्रेटरी था उन्होंने कहा महाराज एक जगह खड़े होकर चैंटिंग करना है अभी. तो उनके सामने आकर खड़ा हो गया, था क्या हो गया महाराज? तो महाराज जब का जपा रोक गया. क्या हो गया महाराज? मैं आया तो आपने जपा रोक दिया, मेरे से पहले आप यहाँ खड़े होकर जपा कर रहे थे. तो महाराज ने कहा क्योंकि जिन चींटियों के लिए मैं चैंटिंग कर रहा था तुम उनके ऊपर खड़े हुए हो. तो महाराज वेरी कंपैशन. So that phase, हमें morning walk जपा जो है, it's not for everyone, but yes, few cases there are there, जिनका heart disease हो यहाँ, और they are old, they can do जपा. और park में भी जाते हैं, of course, so there should be some selective parks, जिसमें कि इतनी activity ना हो, like that. So in this way, we can open the second door as well, of distraction. Okay, one more is there, mantraarth chintan, chanting with meaning. तो हमारे हरे कृष्ण मंत्र meaning क्या है, this we have discussed, right? So meaning के ऊपर चिंतन करना. और चिंतन इतना इंटेंस होना चाहिए कि मंत्र के अर्थ में और मन जो है इतने मिल जाए कि अलग ही ना हो सके. तो ये प्रयास हमको करना चाहिए. ये एकदम से नहीं होता कि आज जब एकदम ट्राई करोगे और फिर बस मेरा मंत्र और चिंतन एकदम एब्जॉर्ब हो गया और फिर एवरीथिंग वाज सिल्की स्मूथ. ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता. तो हमें जो है इसके लिए प्रयास करना चाहिए.